ये सरफराज ग्राउंड आ गया है और अब हम जा रहे हैं अली के स्कूल। ये अली बताएगा, अली कहाँ आपका स्कूल? पूरा रेत वाला। अली को सब पता है अली का स्कूल कहाँ है। चिकन मसाला मुझे टिंडे क्यों दिए? कोई नहीं दिए टिंडे मैंने आपको। मुझे बोल रही थी खाने में टिंडे दूंगी ऑफिस के लिए। वो तो ऐसी मजाक है भाई। अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस, बहुत ज्यादा देर हो गई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा भाई, सुबह का आगाज हो रहा है हमारा कितने बजे? 8 बजे। हसन सो रहा है और बाहर अली तैयार हो गया है, और अली के पास जाना है मैंने सबसे पहले खामोशी से चलना पड़ेगा। अम्मा सो रही हैं, अम्मा भी सो रही हैं, और मेरा कैब कहाँ है? ये मेरा कैब है, ये मैंने कैब उठा लिया। अब मैं जा रहा हूँ बाहर अली के पास, क्योंकि अली के स्कूल जाना है। हमने जाना है अली के स्कूल। अली, आपकी कॉपी ख़त्म हो गई थी ना, इसलिए मैंने अली के स्कूल जाना है। और आज मैं इतनी जल्दी उठ गया ना, है ना, मैं अपने बेटे को छोड़ने भी जाऊँगा और वहाँ से फीस भी जमा कराऊँगा। भाई अभी टाइम हो रहा है 8 के करीब बज रहे हैं, और अली के स्कूल जाना था, वहाँ से अली की फीस भी जमा करानी है और इनको कॉपी भी लेनी थी। क्या लेनी थी? कॉपी लेनी थी, हमारी बेगम को कॉपी लेनी है। मेरी बेगम ने कहा था जल्दी उठ जाइएगा, अली के स्कूल जाना है। तो भाई चलते हैं अली के स्कूल लेके अली को, और अली भी रेडी बैठे हैं। अली आप रेडी हो? अली भी रेडी है माशाल्लाह से स्कूल जाने के लिए। क्यूटू क्यूटू बना है अली। तो अली इतना बड़ा बैग देखना जरा, हुई माशाल्लाह। तो चलते हैं, बाइक निकालते हैं यहाँ जल्दी से, और अली को देर हो रही है तो भाई स्लीपर विलीपर पहन लो। अली गेट खोलो बेटा आप जल्दी से, और हम गाड़ी वाड़ी बाइक निकालते हैं। सही है, जल्दी से अली खोल लिया। सबसे ज़्यादा रश अभी के टाइम अभी हो रहा है, और सबसे ज़्यादा होता है शाम के टाइम जब ऑफिस की टाइमिंग होती है। बहुत मुश्किल होती है यार बाइक चलाना, और अभी तो मैं नींदों में भी हूँ, समझ नहीं आ रहा। चलो तो अभी पहले अली को जल्दी से छोड़ देते हैं यार, लेट हो रहा है अली। ये सरफराज ग्राउंड आ गया है और अब हम जा रहे हैं अली के स्कूल। ये अली बताएगा, अली कहाँ आपका स्कूल? पूरा रेत वाला। अली को सब पता है अली का स्कूल कहाँ है। अली आज तो आप बाइक पे जा रहे हो पापा के साथ, है ना, फीस जमा करानी है ना आपने। वही अली का स्कूल आ गया है, जल्दी से फीस भी जमा करा देते हैं, कॉपी भी ले लेते हैं, और फिर जल्दी से चलेंगे वापसी घर पे। तो अली का स्कूल आ गया, चलो भाई उतार दो भाई अली को। ठीक है अली, सही कह ली। अस्सलाम वालेकुम, जाओ अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, अली की मम्मा भी आई थी और अली को लेनी थी वहाँ की कॉपियाँ इंग्लिश उर्दू मैथ की, और ऑफिस वालों के पास तो थी नहीं, तो ऑफिस वालों ने कहा बाहर से ले लें। तो मैंने सामने बनी हुई है बिल्कुल सरफराज ग्राउंड के सामने दुकान, तो मैंने वहाँ से अली की मम्मा को कॉपियाँ दिला दी, आ गई हैं वापसी। तो अभी चलते हैं जल्दी से आप वापसी घर की तरफ, वरना हसन उठ जाएगा और देर हो रही है वैसे ही हमारे को। ठीक, सुबह का टाइम है और बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो रहा है। पहले तो मैंने बाइक लॉक कर दी सबसे पहले, अब मैं आ गया हूँ घर के ऊपर, और जल्दी से चलते हैं अंदर क्योंकि हसन सो रहा था। गेट बंद करो भाई सबसे पहले, और जल्दी से लगा दो कुंडी, सही है। और अब देखते हैं हसन सो रहा है या उठा हुआ है। वैसे तो हसन सो रहा था जब हम लोग गए थे। भाई साहब सो रहे हैं, और अब मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए, अब मिलेंगे 1-2 घंटे बाद। A few hours later. तफरी कर रहा था, उठाओ भाई। उठ गया हूँ, और उठा कितने बजे हूँ? 3:45 बजे उठा हूँ मैं। यार सलाम है वाइफ को मेरी यार, के रोज़ उठना और बच्चों को इस तरह से तैयार करना, स्कूल भेजना, सलाम है हिम्मत को यार। मैं तो एक ही दिन में मेरी हवा निकल गई है, मैं सही बता रहा हूँ। मुझे अभी भी ऐसी टाइट नींद आ रही है ना, पर 2:45 हो रहे हैं, उठना पड़ेगा वरना तो हालत बुरी हो जाएगी। क्या मसला है? वीडियो प्ले की डिग्री हो ही नहीं, वीडियो प्ले। तो भाई अच्छे आइडियाज ढूंढने के लिए ना आपको एक जगह ढूंढनी पड़ेगी पहले तो, ठीक है। और वो जगह कौन सी होती है मैं बता देता हूँ, बहुत बड़ा राज है ये, कोई देता नहीं है, सही है। इससे पहचान लोगे अच्छी जगह कौन सी होती है अच्छे राज ढूंढने के लिए। राज नहीं, आइडियाज, नया कंटेंट ढूंढने के लिए। ओके भाई ने मूवी धो लिया है और ब्रश भी कर लिया है,
और अब चलो बाहर। यार मुंह तो धो लिया है पर अभी भी वैसा का वैसा ही है। सही है, इतना तो थोड़ा बहुत तो साफ हो गया। भाई बेगम की रिक्वायरमेंट है कि आपको पहले मुंह धोना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको नाश्ता मिलेगा। तो मैंने धो लिया है मुंह और अब मैं जा रहा हूँ कमरे से बाहर। और आज नाश्ता क्या है हमारे पास? आज हमारे पास नाश्ता है, वाओ ये पंजों का सालन है। भाई आज फिर पंजों का सालन है, कुछ दिनों पहले था, अभी थोड़ी था, तो आज फिर बन गया है। और पराठा गर्मा गर्म। ए भाई साहब, आप लोगों ने नाश्ता नहीं करना? मैंने तो कर लिया। क्या करा आपने? चाय ब्रेड खाया। चाय ब्रेड? आपकी बॉडी भी नहीं बन पा रही। आप फूड चाय ब्रेड हो गए। ओए मुझे चाय ब्रेड बोल रहे हो आप? इधर आओ, इधर मेरी बात सुनो। चाय ब्रेड नहीं खाया करो आप। चाय ब्रेड खाओगे ना, चाय ब्रेड बन जाओगे। वो देखो भाई साहब कहाँ छुपे हुए, इधर आ जाओ बाहर, इधर आ जाओ बाहर। देखो छुप गए, छुप गए वो। तो भाई हम कर लेते नाश्ता। अम्मी ने मेरी बाइक की क्या सही करी? अम्मी जिप सही कर दी। और ना ये टांग रही हूं मैं, क्या मैं जो कुलूफ निकल गया ना ये लगा दूंगी। सही है भाई, अम्मी मेरी बाइक का कपड़ा सी रही है। अम्मी ने देख ली थी बाहर खड़ी हुई थी बाइक के जिप टूटी हुई और अम्मी उसको सीने के लिए बैठ गई है। अम्मा को कैसे पता चला मेरी बाइक की कपड़े की जिप टूट गई है? भाई नाश्ता कर लेते हैं, दो मिनट बाद मिलता हूँ। ठीक है भाई, मैं रेडी हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अब पढ़नी है नमाज, तो अली से पूछ लेते हैं। अली आपने नमाज पढ़ ली? जी मेरे पापा, मैंने जल्दी नमाज पढ़ ली। मेरे बेटे ने माशाल्लाह से नमाज पढ़ ली है, अब बारी मेरी है, उसके बाद देखते हैं होता है क्या। A few moments later. नमाज के बाद एक तीन बच्चे हैं हमारे घर में, तीन अमर अकबर और एंथनी। ये तीनों इतने चलाक बच्चे हैं। ये देखो शुरू मत किया। ये देखो एक वो, ये देखो तीनों पीछे लग गए मेरे। अरे भाई इन लोगों ने हमारा जीना दुबर करा हुआ है तीनों ने। ये देखो सकून तो बाय बाय टाटा, खत्म हो गई हमारी जिंदगी में से। जी मेरे से फाइटिंग का इरादा नहीं भाई, आप तो असली में मारते हो। भाई फाइटिंग का इरादा करने के बाद ना अली असली में मारता पापा को। दिल को बहुत सुकून मिलता है ये आवाजें सुनकर, अब तो आदत सी हो गई है मुझको ये आवाजें सुनने की। भाई लगा 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 गया गया जा रहा है वो, रोटीन डब्बे वाला भी आ गया इसके पीछे पीछे। खाने में क्या बना रही हैं आप? कुछ भी नहीं। खाने में आज कुछ नहीं मिलेगा, वाइफ ने कुछ नहीं बनाया। चावल क्यों बनाए? चावल बनाए, चावल पहले बजा पूछते चावल क्यों बनाए, आपने चावल क्यों बनाए? सालन रखा था। वही दूध बॉयल हो रहा है यार, ये भी बड़ी टेक्निक है ना, दूध ऐसे ऐसे उबल रहा था। जल्दी से चूल्हा बेगम ऐसे एक्शन से बंद करती है ना चूल्हा, उनको पता है कि किस तरह से, ये पठान वटान तो बच्चे हैं, बेगम यूं करती है एकदम, देखती है ना जैसे चूल्हा दूध ऐसे उबल के ऊपर आ रहा सू, तो बेगम जल्दी बंद करे जल्दी बंद करे। अरे आप छोड़े आपके बस की बात नहीं है, एक्शन। अच्छा मेरी बात सुने, खाना मुझे नहीं दिएगा, हमारे ऑफिस में बिरयानी और वो जो आपने टिंडे बनाए ना अपने लिए वो आप ही खा लीजिएगा। टिंडे नहीं है सालन है चिकन का। टिंडे जो भी चिकन का सालन, मुझे टिंडे क्यों दिए? ये टिंडे बनाए आपको, मुझे बोल रही थी खाने में टिंडे दूंगी ऑफिस के लिए। भाई अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस, बहुत ज्यादा देर हो गई है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दे सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो मिल सके। इजाजत।